नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रॉब्लम्स इन द शेड. सिंपल एडवांटेज तो क्या है, सिंपल मेथड है, आप इसको लगाओ, सिंपल सा इसका सॉफ्टवेयर बनेगा, सिंपल से इसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी. लेकिन प्रॉब्लम्स इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत है. तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकता है. तो पहली, मे नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस ओनली द सीरियलाइजेबल शेड्यूल. हम कह रहे हैं कि लॉकिंग जो है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि सीरियलाइजेबल होगा तो कंसिस्टेंट भी होगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉकिंग को यूज करें तो हमेशा ही वो सीरियलाइजेबल हो. हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी, तो गारंटी कोई नहीं दे रहा. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मे नॉट. कभी भी हो भी सकता है, मस्ट नहीं लिखना यहां पे, मे नॉट. तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड या सीरियलाइजेबिलिटी मे बी compromised in the shade. तो true or false? Obviously true. Serializability हो भी सकती है, कई cases में नहीं हो सकती. जैसे अगर simple सा case लें, let's say T1 and T2. T1 ने read on A करना है, write on A करना है. Simple, read on A करना है, write on A करना है. T2 wants to perform read on A. And let's say, उसके बाद T1 wants to perform read on B, write on B. कुछ भी simple सा. और ये क्या है? Concurrent protocol है. Concurrent का आपको पता ही है कि पहले T1 आ रही है, फिर T2 आ रही है, फिर T1 आ रही है. तो जब भी लूप हो, मतलब पहले T1, फिर T2, फिर T1, फिर T2, फिर T1, ये क्या होता है? नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो इसको हम सीरियलाइजेबल बनाने की कोशिश करते हैं. और सीरियलाइजेबल बनाने का मतलब क्या है? या तो पहले T1 खत्म हो फिर T2, मतलब या तो ये T1 goes to T2 बन जाए और T2 goes to T1, दोनों में से एक जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं. और अगर ऐसा बन जाए तो ये सीरियलाइजेबल है. तो शेड अगर हम इसको लगाएं तो देख लो, आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम शेड और एक्सक्लूसिव लॉक को लगाते कैसे हैं. तो रीड और राइट ए आया सबसे पहले, तो T1 ने बोला कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए क्योंकि रीड राइट बोथ कर रहे हैं. तो मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी लॉक नहीं दिया. तो ऑब्वियसली इस केस में यहां पे अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि मुझे रीड ऑफ ए करना है. रीड ऑफ ए करने के लिए शेयर्ड लॉक ऑन ए मांगेगा, ऑब्वियसली मांगेगा. लेकिन क्या हम उसको देंगे? हम उसको अभी ग्रांट नहीं करेंगे. रीजन, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए दिया हुआ है तो शेयर्ड मोड हम, अगर एक्सक्लूसिव दिया हुआ है तो शेयर्ड हम नहीं देंगे. लेकिन जैसे ही इसने यहां पर अनलॉक किया, अनलॉक ऑफ ए किया, मतलब अनलॉक ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक ए कर दिया, तो साथ की साथ इसको शेयर्ड लॉक मिल गया. शेयर्ड लॉक मिलते ही इसने यहां पे क्या कर देना है? अनलॉक कर देना है. जैसे ही इसने अनलॉक किया, ये खत्म होगी ट्रांजैक्शन. अब आ गई T1 की बारी. तो T1 ने क्या, रीड बी राइट भी करना है, तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी लिया और यहां पर अनलॉक कर दिया बी के लॉक को. सिंपल सा फंड है. तो यहां पे कहीं पे सीरियलाइजेबिलिटी अचीव हो रही है क्या? ये T1 goes to T2 या फिर T2 goes to T1 बन रहा है? नहीं, ये तो हम पहले T1 कर रहे हैं, फिर हम T2 पे आ गए, T2 के बाद हम फिर दोबारा से T1 पे आ गए. तो ये तो लूप है. तो यानी ये सीरियलाइजेबिलिटी जरूरी नहीं है कि हर केस में अचीव करे. तो यानी मेरी पहली जो है, मे नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस ओनली सीरियलाइजेबल, ये यहां पे ट्रू बनती है. देन मे नॉट फ्री फ्रॉम इररिकवरेबिलिटी. तो ये कोई गारंटी नहीं देती कि हमेशा शेड्यूल आपका रिकवरेबल ही होगा. इररिकवरेबल भी पॉसिबल है. कैसे? ये देख लो, सिंपल सा फंडा है यहां पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा. सिंपल सा फंडा है यहां पे, लेट्स से कि T1 आई और उसके बाद T2. T1 ने रीड ऑन ए करना है, राइट ऑन ए करना है, और T2 ने उसको क्या कर लिया? रीड ऑफ ए कर लिया. यही होता है रिकवरेबल. मैंने जैसा कि पहले बताया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल में विद एग्जांपल. तो यहां पे इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मांगा, हमने दे दिया. अब यहां पे जैसे ही इसने अनलॉक ऑफ ए किया, इसको शेयर्ड लॉक ऑन ए मिल जाएगा. जैसे ही इसने अनलॉक किया, साथ के साथ इसको शेयर्ड लॉक ऑन ए मिल गया. मतलब ये क्या रीड करेगी? ये वैल्यू रीड करेगी जो इसने राइट की. और अगर ये रीड करके और अपने जो भी इसने करना चाहता है, अगर ये एक्सक्लूसिव लेना चाहता है, जो भी ये परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि इसको एक्सक्लूसिव भी मिल सकता है यहां पे, अगर ये राइड भी कर रही है तो इसको एक्सक्लूसिव भी मिल जाएगा क्योंकि इसने तो अनलॉक कर दिया. और अगर ये कमिट हो गई पहले और ये अगर फ्यूचर में जाके फेल हो गई, तो इसको रोल बैक कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्या इसको रोल बैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिट हो चुकी. और वैसे भी शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक
कमिट से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा कि हाँ कमिट होने के बाद हो या कमिट होने से पहले ऐसा हो, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रिकवरेबिलिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, रिकवरेबल हो भी सकता है, रिकवरेबल नहीं भी हो सकता। तो मे नॉट फ्री फ्रॉम रिकवरेबिलिटी, ये भी क्या बन रही है आपकी, ट्रू। सिंपल सा एग्जांपल यहां पे आप लेके चलो, और अगर ये डेटा आइटम में कुछ भी चेंज करके कमिट कर गया, तो लेट्स सपोज अगर ये फेल हो गया, तो ये फेल का मतलब हम इसको रोल बैक करेंगे, और अगर हमने इसको देखा इसने रीड क्या किया, इसने वो रीड किया जो इसने राइट किया, और ये कौन सा रीड है, ये एक डर्टी रीड है क्योंकि हमने तो रोल बैक कर दिया इसको, लेकिन हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते क्योंकि ये कमिट हो गया। तो कमिट ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि ये कोई ऐसी बात यहां पे नहीं कर रहा कि कमिट कब हो, शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो यानी इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है। थर्ड, मे नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, डेडलॉक जैसा कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो डेडलॉक बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो लोग रिसोर्सिस की वेट कर रहे हैं और दोनों ही इनफाइनाइट लूप में वेट कर रहे हैं। इनफाइनाइटली जब हम वेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेडलॉक स्टेट। लेट्स से टी वन वॉन्ट्स टू डू एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, मतलब टी वन ने कुछ भी रीड ए राइट ए करना है, तो उसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मांगा तो हमने उसको ग्रांट कर दिया। T2 कहती मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए, अगर ए मांगती तो हम इसको नहीं ग्रांट करते, लेकिन बी के ऊपर मांगा, डिफरेंट डेटा आइटम के ऊपर मांगा, हमने ग्रांट कर दिया। लेट्स से T1 कहती कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन, थोड़ा सा नीचे मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए। बी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ग्रांट इसने किया हुआ है और इसको जब तक ये अनलॉक नहीं करता इसको मिलेगा नहीं, तो हम इसको बोलेंगे भैया वेट कर। और ये लेट्स सपोज T2 ने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए की डिमांड की है, T2 कहता मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, हम कहेंगे ऐसे कैसे, ऑलरेडी ग्रांट किया हुआ है ए के ऊपर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव मिलता नहीं है, तो भैया तू क्या कर रहा है, वेट कर। अब देखो ये क्या सिचुएशन है, T1 को एक रिसोर्स मिल गया, दूसरे की वेट कर रहा है, T2 को एक रिसोर्स मिल गया, दूसरे की वेट कर रहा है। ये उसको कब मिलेगा, जब ये रिलीज करेगा, और ये उसको कब मिलेगा, जब ये रिलीज करेगा। तो दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं कि भैया तू रिसोर्स छोड़ दे, तू अनलॉक कर दे, मेरे को मिल जाएगा। वो कह रहा है क्यों, तू लो अनलॉक कर दे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस केस को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक सिचुएशन। ये केस अब हमने मतलब स्पेशली बनाया इस टाइप का केस ताकि आपको समझ आ जाए कि डेडलॉक स्टेट को हम कब बोलते हैं कि हाँ यार इसके अंदर डेडलॉक भी पॉसिबल है। तो ये एक्चुअल में इस तरीके का बनाया है क्योंकि ऑब्वियसली सारी पॉसिबिलिटीज हम लेके चलते हैं और उन्हीं पॉसिबिलिटीज के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक की वजह से आप कह सकते हो कि डेडलॉक जो है वो प्रॉब्लम अक्कर हो रही है, शेयर्ड की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये एक स्पेशल केस जो है आपको याद रखना है। देन लास्ट, मे नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन बेसिकली क्या होता है, स्टारवेशन और डेडलॉक में यही डिफरेंस है। डेडलॉक का मतलब होता है इनफाइनाइट वेटिंग, पता ही नहीं ये इसकी वेट कर रहा है और ये इसकी वेट कर रहा है, ये खुद नहीं छोड़ा क्योंकि प्रायोरिटी तो कुछ है नहीं कि हाँ भाई मेरी प्रायोरिटी में VIP हूं, ऐसा तो कोई है नहीं। वो कह रहा है तू लॉक छोड़ दे, वो कह रहा है तू लॉक छोड़ दे, दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते रहेंगे। लेकिन स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन होता है कि वेटिंग तो हो रही है, इनफाइनाइट टाइम तक वेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है उसको मतलब मेथोडोलॉजी इस तरीके से या प्रोटोकॉल इस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको वेट करनी पड़ रही है काफी, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक नहीं। लेट्स से कि T2 स्टार्ट होती है, इसको देखते हैं हम, T2 स्टार्ट होती है, T2 ने शेयर्ड लॉक ऑन ए मांगा इस टाइम पे, ये टाइमलाइन है, टाइम इस तरीके से बढ़ रहा है, शेयर्ड लॉक ऑन ए मांगा, हमने इसको दे दिया, अभी तक कुछ भी नहीं है, ये अपना काम करती जा रही है, करती रहे। इतने में T1 आई, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, लेट्स सपोज अगर ये 11 बजे आती है तो 11:05 पे लेट्स से T1 आई, T1 कहती मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, हम बोलेंगे वेट कर, ये ऑलरेडी शेयर्ड लॉक ऑन ए मिला हुआ है, जब तक अनलॉक नहीं होता तेरे को नहीं मिलेगा, ये बेचारा वेट कर रहा है, करता रहे। इतने में T3 आके कहती इस पॉइंट पे शेयर्ड लॉक ऑन ए चाहिए, अभी इसने अनलॉक नहीं किया, लेट्स सपोज ये यहां पे अनलॉक कर देता है, ये अनलॉक यहां पे करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तब जाके इसको एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा, लेकिन ये अनलॉक करे उससे पहले ही T3 कहती कि मुझे भी शेयर्ड लॉक होनी चाहिए, तो मिलेगा, मिलेगा, शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड मिल सकता है, ये तो बेचारा अभी वेट कर रहा है एक्सक्लूसिव वाला, तो ठीक है भैया आ जा तू भी, वेट करता रहा, इसने शेयर्ड लॉक ले लिया। अब जैसे ही अनलॉक करने लगा,
इसके अनलॉक करते ही इसको एक्सक्लूसिव लॉक मिल सकता था, लेकिन लेट्स सपोज इसके अनलॉक करने से कुछ टाइम पहले ही T4 कहती मुझे भी शेयर्ड लॉक ऑन A चाहिए, तो क्या होगा, ग्रांट करेंगे, क्योंकि शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड आप मल्टीपल ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि रीड करना है। लो जी, तो ये भी क्या कर रहा है, वेट करता जा रहा है। तो देखो इसको कायदे से यहां पे लॉक मिल जाता, लेकिन इसकी और इसकी वजह से इसको लॉक कब जाके मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये यहां तक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, इसको हम बोलते हैं कि वेटिंग तो है, लेकिन वो वेटिंग बेसिकली कितनी है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वेटिंग है। तो स्टार्वेशन आ गई, डेडलॉक आ गया, इररिकवरेबल मैंने इससे पहले आपको यहां पे बताया था, और सीरियलाइजेबिलिटी इज नॉट प्रॉपरली अचीव्ड इन ऑल द प्रोटोकॉल। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो शेयर्ड एक्सक्लूसिव में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैंने जो यहां पे ये सारे पॉइंट्स बताए हैं ये मोर देन इनफ है। तो शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉकिंग प्रोटोकॉल, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थोड़े से हम चेंजेस करके इसको हमने टू फेज लॉकिंग में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या हम अचीव कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।